स्थानीय दशरो नागर समाज धर्मशाला के प्रांगण में एक साधारण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरुड़ से सेवानिवृत्त हुए निरंजन स्वरूप गुप्ता का दशरा समाज सहित अन्य समाजों और ग्राम के पूर्व सरपंचों द्वारा नगरीय अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर समस्त शिक्षक स्टाफ, विभिन्न समाजों के अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में पत्रकार एवं नागरिक गण उपस्थित है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोनारा हाई स्कूल के प्राचार्य राजन चौहान एवं धार से पधारे सोलंकी एवं समाज सेवी नारायण गुप्ता ने अपने उद्बोधन में निरंजन स्वरूप गुप्ता के अपने शैक्षणिक कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि उनके द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चे आज कई बड़े पदों पर आसीन हैं। गुप्ता जी ने जो उपलब्धियां हासिल की है वहां विरले लोग ही पहुंच पाते हैं। साथ ही सरल सौम्य मृदभाषी गुप्ता जी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर दशहरा समाज बरुड़ एवं पत्रकार संघ द्वारा निरंजन स्वरूप गुप्ता को स्मृति चिन्ह शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सहभोज का भी आयोजन रखा गया। कार्यक्रम के अंत में निरंजन स्वरूप गुप्ता ने सभी आगंतुकों का हृदय से आभार माना। बरुड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। वास्तव में तो ये मेरे लिए उपलब्धि है कि गांव वालों ने मुझे परखा और कुछ मान दिया। मैं यहाँ 97 से 6 तक यहाँ नागरिक बन के रहा था, तो सभी के दुख सुख में मैं समान रूप से सहभागी होता था और शायद है कि उन्होंने ऐसा समझा। फिर मैं वापस 2019 में यहाँ आया। 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक मैं रहा, तो मेरे से जो बन पड़ा वो किया। यहाँ उन लड़कियों को जब मैंने 97 से 2 तक पढ़ाया था, उनके पुत्रों को मैंने पढ़ाया यहाँ पे जो 16 से 18 वर्ष के थे, तो मुझे आत्मीय खुशी मिली कि मैं एक नाना बनकर बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। जी, क्या नाम लिखते हैं सर आप? निरंजन स्वरूप गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।